करते हैं विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात रायबरेली की कर लेते हैं, जहां 5 नवंबर को सांसद राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर आएंगे। जिला सतर्कता अनुश्रवण समिति दिशा की वो बैठक करेंगे। राहुल गांधी की अध्यक्षता में 5 नवंबर को यह बैठक होगी। नगर पालिका के कार्यों का भी वो लोकार्पण कर सकते हैं। तो रायबरेली से सांसद राहुल गांधी हैं। इस मौके पर वो दिशा की बैठक में प्रतिभाग करने 5 नवंबर को रायबरेली पहुंचेंगे। रायबरेली क्षेत्र से वो दिशा की बैठक में शामिल होंगे। जिला सतर्कता अनुश्रवण समिति यानी दिशा की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी की अध्यक्षता में 5 नवंबर को इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही रायबरेली के दौरे के दौरान नगर पालिका के कार्यों का वो लोकार्पण भी कर सकते हैं। तो 2019 में अमेठी से हारने के बाद अब की बार 2024 में रायबरेली से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। रायबरेली ऐतिहासिक सीट भी है कांग्रेस की, यही वजह है। पारंपरिक सीट भी है रायबरेली कांग्रेस की, यही वजह है कि रायबरेली से अब की बार 2 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी रायबरेली से जीते थे। रायबरेली के मौजूदा सांसद हैं और 5 नवंबर को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचेंगे, जहां वो जिला सतर्कता अनुश्रवण समिति यानी दिशा की बैठक में शामिल होंगे। वही कानपुर से बड़ी खबर आप सभी तक को बता दें, जहां घर में लकड़ी के मंदिर में दिए से आग लग गई। दम घुटने से 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। देर रात लगभग 3 बजे ये घटना हुई, जब काकादेव थाना क्षेत्र के पांडू नगर में ये घटना हुई है। घटना में कारोबारी संजय श्याम दासानी की मौत हो गई है, पत्नी और नौकरानी की भी मौत की सूचना है। काकादेव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो कानपुर में काकादेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में आग लग गई। दिवाली के दिन घर में लकड़ी के मंदिर में दिए की वजह से ये आग लगी है। 3 लोग घर के अंदर इस वक्त मौजूद थे। देर रात आग लगी, दम घुटने की वजह से 3 की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात लगभग 3 बजे की ये घटना है। काकादेव थाना क्षेत्र में पांडू नगर इलाके में एक घर में देर रात आग लग गई, दिए की वजह से लकड़ी का मंदिर जल गया। अपने पत्नी और मेड के साथ रहते थे। रात में वो लगभग 1:30 बजे पूजा हुई। मंदिर में दीपक रखा हुआ था। दीपक के कारण जो है आग लगी, पर्दे पर और ये लोग सो रहे थे, ये लोग निकल नहीं पाए। और उनको जब सूचना मिली वहाँ पर थे, वहाँ से लिया करके एमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और यहाँ पर उनके 3 लोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की। तो कानपुर से पूरा मामला, जहां दिवाली की रात के करीब 3 बजे एक घर में भीषण आग लग गई। इस दौरान मंदिर में दिया रखा हो था और लकड़ी के मंदिर में आग लग गई। कानपुर से ये बड़ी खबर, जहां घर में लकड़ी के मंदिर में दिए की वजह से भीषण आग लग गई। दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात का ये पूरा मामला है। रात के करीब 3 बजे घर में लकड़ी के मंदिर में जो दिया रखा था, उस दिए से मंदिर में आग लगी, जिसके बाद आग इतनी भीषण थी, आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरा घर उसकी चपेट में आ गया और घर में सो रहे 3 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी समेत घर की नौकरानी भी शामिल है। तो कानपुर की ये पूरी घटना, जहां दीपावली की रात घर के लकड़ी के मंदिर में रखे दिए की वजह से आग लग गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मुकेश का। मुकेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे पूरे घर में आग लगी और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी रिया जी, आपको बता चाहूंगा, कानपुर क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर काकादेव थाना अंतर्गत एक बेहद मामला सामने आया है, जहाँ पर 3 लोगों की जलकर के मौत हो गई है। आपको पता चाहूंगा, जो जो पति पत्नी है ये बिजनेसमैन है, ये कल दीपावली थी, दीपावली की उन्होंने पूजा की रात में, दीपावली पूजा करने के बाद
इन्होंने जो एक दिया था मंदिर में रखे थे उसी दौरान जो ये लोग रात में पूजा करने वाले लोग सो गए। आपको बता दें उस दिए से मंदिर में आग लग गई, क्योंकि लकड़ी का जो मंदिर था इसको लेकर के आग लग गई है। आपको बता चाहूंगा कि आग इतनी विकराल रूप ले लिया कि जो दरवाजा था दरवाजा गर्म होकर के उसकी कुंडली जो होती है वो लॉक वो बंद हो गया। उसके दौरान जो ये बड़ा हादसा हो गया, आपको बता दें कि पति पत्नी वहां पर सो रहे थे तभी वहां पर आग लग गई है। जब इन्होंने चिल्ला आवाज आई तो जो नौकरानी थी नौकरानी भी गई जाकर के बता रही उसने प्रयास किया, लेकिन तीनों लोगों की वहां पर जलकर के मौत हो गई। आपको बता चाहूंगा कि उसमें साथ में उनका बेटा भी था, बेटे ने बताने के प्रयास किया और बेटा जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी जो क्षेत्रीय लोगों ने जब धुआं उठता हुआ देखा तो उन्होंने मौके पर पुलिस बुलाया और पुलिस बुला के जब पुलिस मौके पहुंची तो दरवाजा तोड़ा गया है। तब जाकर के तीनों चारों लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया जिसमें कि तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और जो बेटा अभी भी बिल्कुल जिस तरह से मुकेश आपने बताया कि पति पत्नी और जो नौकरानी है तीनों की आग की चपेट में आने से मौत हो गई है, लेकिन बेटे की अगर बात करें, बेटा जैसा आप कह रहे हैं कि घायल है, अस्पताल में भर्ती है क्या इस वक्त और किस तरह से हालत उसकी, किस तरह से स्थिति, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल डॉक्टरों से जिसमें जब बात की गई वहाँ पर इंडिया के भर्ती है तो वहाँ पर पता चला कि जो अभी भी जो उसका जो बेटा है वो अभी भी गंभीर रूप से घायल है और वो अभी झुलसा हुआ है, अभी भी उसकी वहाँ पर इलाज चल रहा है। अभी लोगों ने जो डॉक्टर है लोगों से बुजुर्ग मना करने का कर दिया क्योंकि उसका इलाज चल रहा है। वही अगर बात की जाए जो जो उसके पति जो माँ बाप थे माता पिता थे वहाँ उनकी मौके मौत हो गई और नौकरानी की भी जल करके वहाँ पर मौके पर मौत हो गई थी। आपको बता दें जो एक जो क्षेत्र में सन्नाटा फैला हुआ है जिसको लेकर के वहाँ पर काफी लोग वहाँ पर गंभीर माहौल जो फैल गया हुआ है। आपको बता दूंगा कि ये जो दीपावली मुकेश कितने बजे के करीब की ये पूरी घटना है और दमकल विभाग को आखिर कब कॉल किया गया और कितना समय जब दमकल विभाग जब वहाँ पर पहुंचा कितना समय लगा पूरा ऑपरेशन चलाने में आग पर काबू पाने में? जी रिया जी बता दूंगा आपको कि लगभग ये देर रात का मामला है। जब रात में ये धुआं उठा तो लोगों जो क्षेत्र के लोग थे क्योंकि दरअसल वहां पर पटाखे की आवाज भी आ रही थी, काफी पटाखे चल रहे थे जिसको लेकर के वहां पर आवाज नहीं आ पाई। जब लोगों ने घर से धुआं उठता देखा तो लोगों ने वहां पर अपने क्षेत्रों को इकट्ठा किया और जाकर के उन्होंने पुलिस मौका के आग बुझा रहे। इसके दौरान लगभग एक से डेढ़ घंटा वहां पर लग गया जब मौके दमकल गाड़ी पहुंची उस पर जब पहुंचने के बाद कई बार ऐसे मामले जो है सामने आते हैं। यही वजह है कि बार बार लोगों से यही अपील की जाती है कि सावधानी बरते, कभी भी आग या इससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु हो तो उसके साथ हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। मुकेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही जम्मू कश्मीर के नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा का फरीदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई हैं देवेंद्र सिंह राणा। इस दौरान विधायक के निधन पर बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी शोक जताया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र सिंह राणा के असामयिक निधन से दुखी हूं। जम्मू कश्मीर की शांति, विकास और जनता के हितों के लिए सदैव समर्पित रहने वाले देवेंद्र सिंह राणा ने क्षेत्र की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं देवरिया में यूपी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया अजीत सिंह की हत्या हो गई। दिवाली की रात जुआ खेलने के दौरान गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया। अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह के खिलाफ यूपी बिहार में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक बनकटा थाना क्षेत्र की सोहनपुर गांव में पंकज जायसवाल के घर पर अजीत की गोली मारकर हत्या हुई। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात जुआ खेलने के दौरान हुआ विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर ताश के पत्ते और कई जोड़ी चप्पल भी मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि अजीत सिंह और जड़ी सिंह का यूपी से लेकर बिहार तक शराब का सबसे बड़ा सिंडिकेट था। उसके ऊपर यूपी और बिहार के कई जिलों में दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। तो देवरिया से खबर, जहां
अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह, जो कि बहुत बड़ा शराब माफिया है, उसकी हत्या कर दी गई। यूपी और बिहार में पहले से इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया में यूपी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया अजीत सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया। दिवाली की रात जुआ खेलने के दौरान गोली मारकर हत्या की गई। अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह के खिलाफ यूपी बिहार में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक बनकटा थाना क्षेत्र की सोहनपुर गांव में पंकज जायसवाल के घर पर अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात जुआ खेलने के दौरान ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद हत्याकांड में तब्दील हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी का। बालेंदु, अगर बात करें जिस तरह से यूपी और बिहार का जो सबसे बड़ा शराब माफिया है उसकी यहाँ पर हत्या हो जाती है, हत्याकांड को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आपसे बता दें कि यह कुख्यात अपराधी अजीत सिंह जो है यह शराब माफिया माने जाते हैं और इनका नंबर वन में नाम आता है और यह 26 वर्षीय की उम्र में यह सबसे बड़ा पड़ाव हासिल कर लिया था और यह तस्कर यूपी से लेकर ये बिहार तक इनके नाम से कांपते थे और प्रशासन भी इनके आगे नतमस्तक रहती थी। आपसे बता दें कि जड़ी सिंह एक ऐसा व्यक्ति था कि जो 26 साल की उम्र में यह प्रधान भी वर्तमान था और जो इनके साथ तस्कर में इनकी पकड़ भी बहुत अच्छी थी। कई सैकड़ों मुकदमे इनके बिहार और यूपी में दर्ज हैं इनके नाम, क्योंकि एक बड़ा नाम थे ये जड़ी सिंह और कई यूपी और बिहार में कई जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। लेकिन सवाल ये कि जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जो क्राइम सीन था पंकज जायसवाल का घर, पंकज जायसवाल से इसका क्या, जो मृतक है उसका क्या रिश्ता और किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस क्या कुछ कह रही है, पुलिस का क्या कुछ कहना? जी, पुलिस का कहना यह है कि देखिए यहाँ पे जुआ खेला जा रहा था, जुआ खेलते वक्त में जड़ी सिंह ने यहाँ मौके पर आया और मौके पर आने के बाद ये कुछ लोगों ने इनको इनके सर में और गले में और 5 गोलियां मारा दाग दी और ये इनकी मौत हो जाने के बाद वहां से सभी फरार हो जाते हैं। यह घटना 12 बजे रात की है लगभग बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और पूछताछ जारी है। अन्य लोग को भी हम लोग अरेस्ट किए हैं लेकिन ये अभी तक ये मुख्य मुलजिम तक ये पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बालेंदु, क्या समझे, क्या प्री प्लान्ड मर्डर था? जी, इसको बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और ये वहाँ के लोगों के द्वारा और उनके गार्जियन के द्वारा, परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी प्री प्लानिंग से इनकी हत्या की गई है और इनको बुलवाया गया है। बुलाने के बाद, इनके घर पे आने के बाद यह इनको गोली मारकर यह हत्या कर दी गई है। पुलिस ये मौके पे घंटों बाद पहुंचती है और उनकी डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन बनकटा थाने में इनके पहले से भी कई अपराधी के मुकदमे दर्ज थे और इनके इनके दबदबे से वहां क्षेत्र में लोग ये बोलते भी नहीं थे और ना इनके खिलाफ कोई कदम उठाता था। बालेंदु, जिस तरह से पुलिस ने आपने जैसा बताया कि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, वही जो मुख्य आरोपी समेत कई और आरोपी ऐसे हैं जो अभी फरार है, तो पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आ पाया है? जी, अभी प्रशासन द्वारा यह बताया जा रहा है कि देखिए अभी तो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, अन्य लोगों को पूछताछ के लाया गया है लेकिन ये अभी मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह जो है शराब तस्कर को लेकर बिहार और यूपी से में इनका तस्करी होता था, इसके वजह से थोड़ा सा समस्या आ रही है लेकिन ये जल्द ही हमारी टीम 5 टीम लगाई गई है, 5 टीम क्लियर कर देगी और ये आरोपियों को गिरफ्तार कर ये जल्द ही हम लोग सलाखों के पीछे भेज देंगे। ठीक है बालेंदु, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हरदोई के थाना साड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बघराई में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वायरल वीडियो में पुरुष महिला पर डंडे और लाठियां बरसाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है, जिसके चलते बीच रास्ते में पुरुष लाठी डंडे बरसा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरदोई से तस्वीरें जहां 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे भांजे गए, बीच रास्ते में महिलाओं की पिटाई की गई और वीडियो से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों में ना ही पुलिस का खौफ है ना ही प्रशासन का डर।
वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बिहार उपचुनाव के लिए स्कूल का बस्ता यानी स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह मिल चुका है। पार्टी बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर शिक्षा के मुद्दे पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी 2025 में जीतती है तो शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि अगर 2025 में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो शराबबंदी हटाकर उस पैसे को बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, इसलिए माना जा सकता है कि उन्हें शिक्षा से जुड़ा चुनाव चिन्ह मिला है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति के बारे में बात कहां हो रही है, हम कहते रहते हैं कि बिहार में कोई भी नेता जाति आधारित राजनीति में शामिल नहीं है। जाति पर बात करते हैं, हम तो रोज कह रहे हैं कि भैया बिहार में तो हमको कोई जात, हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं सारे नेताओं की कि बिहार में कोई भी नेता जाति की राजनीति कर ही नहीं रहा। लोगों को लगता है कि लालू, नीतीश, मांझी ये सब जाति की राजनीति करते हैं। मैं आपको कैमरे पे बता रहा हूँ, रोज सभाओं में कहता हूँ, लालू जी जात की राजनीति नहीं करते हैं, मांझी जी जात की राजनीति नहीं करते हैं। अगर लालू जी जात की राजनीति करते तो वो ये कहते कि भाई यादव समाज का कोई काबिल आदमी बिहार का आरजेडी का नेता बनेगा और सारे यादव लोग आप लोग आरजेडी को वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं, लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सारे यादव लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। तो भाई ये जात की राजनीति कहां हुई, ये तो अपना और अपने परिवार अपने बेटे की राजनीति हुई। मांझी जी क्या कह रहे हैं कि भाई आप मांझी जी मुसहर के समाज की थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी में कोई मांझी समाज का आदमी नेता होगा। मांझी जी तो ये कह रहे हैं मैं मंत्री बन गया, मेरा लड़का मंत्री बन गया, अब मेरे पतोह को भी एमएलए विधायक बनाओ, वो मांझी समाज के किसी बच्चे को नहीं स्वीकार करेंगे। और लालू जी मांझी जी अकेले नहीं है, बिहार में जो नेता है नेता अपनी बात कर रहा है, अपने बच्चे की बात कर रहा है, जात में आप और हम उलझे हुए हैं। वही मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यातायात महा का डीएम एसपी ने शुभारंभ किया, यातायात नियमों के पालन करने की भी जानकारी दी। एसपी ने यातायात रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर ये यातायात रैली गुजरेगी। 1 महीने तक यातायात पुलिस का ये अभियान चलेगा। शहर कोतवाली के ईशन नदी चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मैनपुरी से एक खबर, जहां पुलिस ने यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर लोगों को जानकारी दी, लोगों को जागरूक किया। मैनपुरी से एक खबर, जहां यातायात माह का डीएम और एसपी ने शुभारंभ किया। इस यातायात माह के तहत यातायात नियमों के पालन की जानकारी लोगों को दी जाएगी, लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान एसपी ने यातायात रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के प्रमुख मार्गों से ये रैली गुजरेगी और 1 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। शहर कोतवाली के ईशन नदी चौराहे पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मैनपुरी में डीएम और एसपी ने यातायात माह का शुभारंभ किया, जिसके तहत पूरे महीने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।